हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए। और ये आवाज आवाज बोलो कैमरे पे। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हमें बहुत खुशी है हमारे परपोता हुआ। अच्छा। हमारी भी उम्र होने लगा, डॉक्टर साहब के खूब धड़ाके से दुकान चले। हम अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम कस्तूरी देवी। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह प्रयाग हॉस्पिटल के बाहर लाइव हैं। आज यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आज यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। एक बच्चे की डिलीवरी हुई है, परिवार खुश है, परिजन खुश हैं और यहां पर बारात जैसा जश्न मनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, गाड़ी सजाई गई है, परिजन जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप लोग देखिए कार भी सजाई गई है, आप लोग देख रहे हैं। इसी कार में बच्चे को बिठाकर घर पर ले जाएंगे। और इधर देखिए फूलों की बारिश हुई है, दिखा दो भाई कैमरामैन, फूलों की बारिश हुई है। अभी जानकारी हासिल करते हैं कौन से बच्चे की डिलीवरी हुई है, माँ बाप का क्या नाम है, इस तरह का जश्न क्यों मनाया जा रहा है, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। आप देखिए सारे लोग खुश हैं, परिजन खुश हैं, बिल्कुल चला रहे हैं भाई साहब, चला रहे हैं। आप माला डालिए, देखिए तालियां बज रही हैं। जो स्टाफ है उसका स्वागत किया जा रहा है, डॉक्टर साहब का स्वागत किया जा रहा है, अमित यादव जी हैं। और आपका क्या नाम है? डॉक्टर स्नेहा यादव। डॉक्टर स्नेहा यादव हैं और डॉक्टर अमित यादव हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से परिजन खुश हैं, आतिशबाजी भी आप लोग देख रहे हैं बाहर, किस तरह की आतिशबाजी चल रही है। खुश हो अम्मा? हाँ भैया बहुत खुश है। बच्चा हुआ है? बच्चा हुआ। ठीक है? हाँ पोता हुआ है? हाँ पड़पोता हुआ है। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। बधाई हो आपको। बधाई हो आपके, खूब चला दुकान। बुआ जी हैं? हाँ जी। राम राम। राम राम जी। आपको बधाई हो पोता हुआ। आपको भी बधाई हो जी, पोता हुआ हमारे। कहाँ रहती हैं आप? नवेडा। नवेडा से आगे इतने दूर है? हाँ जी, सेक्टर 115। क्या नाम है? विजेंद्र है जी, मेरे पोता हुआ है, हमें बड़ी खुशी की बात है। अच्छा। हाँ जी। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मण पारचा और फ्रिंको है और हमें बहुत खुशी है कि हमारा पोता हुआ, पर इससे भी ज्यादा बहुत खुशी है कि जो हमारा प्रयाग अस्पताल है, जो हमारे प्रयाग अस्पताल के ये जो ओनर है डॉक्टर साहब हैं अमित यादव जी और डॉक्टर ने स्नेहा यादव जी, ये बहुत अच्छा अस्पताल है और बहुत ही अच्छा इनका स्टाफ है, बहुत अच्छा इनका स्टाफ है, 24 घंटे यहाँ पे सेवा बहुत अच्छी है, अपने मरीजों की देख रेख, जच्चा बच्चा को बहुत अच्छे से देखते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। हमें बहुत खुशी है, हमारे भतीजे के लड़का हुआ है, पोता है हमारा, और सावन में पहली बार हुआ है, हमें बहुत बहुत खुशी है। सावन का हमारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टाइम में हुआ है, इसीलिए खुश हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए। और ये आवाज आवाज बोलो कैमरे पे। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हमें बहुत खुशी है हमारा परपोता हुआ। अच्छा। हमारी भी उम्र होने लगा, डॉक्टर साहब के खूब धड़ाके से दुकान चले। हम अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम कस्तूरी देवी। देवी परदादी हैं, डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दे रही हैं और सबको आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आई 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 आई, ये रहे डॉक्टर साहब। आपकी खूब तरक्की हो और बहुत कुछ अच्छी बात हो।
हम बहुत खुश हैं तुम्हारी दुकान धड़ाके से चले और हमारे प्रधान जी आए। हाँ तो आइए। तो सुरजीत नागर जी हैं, इनका भी स्वागत हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। खुश तो होंगे आप भी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे खुशी की? मैं भतीजा हुआ है हमारे और बड़ी खुशी की बात है और मैं पूरे परिवार को अपनी तरफ से सबको बधाई देता हूं और इसी तरह से जच्चा बच्चा स्वस्थ रहें और बच्चा इसी तरह से तरक्की करे तो यही दुआ है मेरी उसके। जो आज पूरा माहौल पूरे परिवार की खुशी का माहौल है और इसी तरह ऐसे जो खुशी का माहौल इनके परिवार में इसी तरह से बना रहे यही परमात्मा से दुआ करते हैं। चलो सर बधाई हो हमारी तरफ से। बिल्कुल जी आपको खुशी का मौका है। आप सर क्या कहेंगे? सर मैं लड़के का ताऊ हूँ, मेरे को इतनी खुशी है कि शायद मेरे को परमात्मा मिल गया। नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र टांक है। कहाँ रहते हैं? मैं गांधी कॉलोनी NIT 5 में रहता हूँ और डॉक्टर साहब का मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी मेरे लिए भगवान है और जो उनकी जो धर्मपत्नी है उनका तो इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर, पूरी कॉलोनी पे आशीर्वाद है। जितने गरीब लोग भी आते हैं तो गरीब लोगों को भी ट्रीटमेंट फ्री में भी दे देते हैं बेचारे। बहुत बढ़िया सर। और ये सर ये हमारे नेताजी। नेताजी क्या नाम है नेताजी? मेरा नाम सोमपाल झंझोटिया है। बताइए कुछ कहेंगे? इस बच्चे की होने पर हम सभी को बहुत ही खुशी है, हमारे भी एक तरह पोता हुआ है ये। और मैं खासकर यहाँ प्रयाग हॉस्पिटल जो है उसके स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़े पूरे प्रयास के साथ जच्चा और बच्चों का दोनों का ध्यान रखा। और हम तो यही कहेंगे कि हॉस्पिटल को बढ़ाने में स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ तो मैं पुनः एक बार फिर स्टाफ का धन्यवाद करते हुए और बच्चे को दिल से कह रही हूँ, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ कि उसकी लंबी आयु हो और तरक्की करे। हाँ डॉक्टर साहब आपकी काफ़ी तारीफ हो रही है, बहुत बढ़िया काम किया और मैडम ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, दोनों की बहुत तारीफ हो रही है। तो क्या कहेंगे, किस तरह बच्चे की डिलीवरी हुई, कोई परेशानी तो नहीं आई? सबसे पहले प्रयाग हॉस्पिटल की परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और खासकर बच्चे के परिवार को तहे दिल से और बच्चे की लंबी आयु की कामना करूँगा। और जच्चा बच्चा सही सलामत से ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुए और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई और प्रयाग हॉस्पिटल के परिवार का सारा फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे से ध्यान दिया, तो इसमें आप सब लोग का बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आभारी हूँ और इस तरह से और हमारा सम्मान किया गया इसके लिए मैं बहुत बहुत। हाँ मैडम आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सब बढ़िया से हो गया है। ये मुस्कान पेशेंट जिसका नाम है उसका नॉर्मल हुआ या ऑपरेशन? ऑपरेशन से हुआ था, पहले भी दो उसके ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें से पहला बच्चा एक्सपायर हो गया था इसका, ये तीसरा बच्चा है इसका, बिल्कुल सही सलामत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब बढ़िया से हो गया। रोहित जी आपको बधाई हो, बच्चे के पिताजी हैं रोहित जी हैं। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे, खुश तो होंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब और मैडम का, मेरे को बहुत अच्छी संतुष्टि मिली है इस हॉस्पिटल से, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल। हाँ जी सबों को आना चाहिए। कहाँ रहते हैं सर? मैं गांधी कॉलोनी NIT 5 में। अच्छा। सबको आना चाहिए इस हॉस्पिटल में, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है 24 घंटे। चलो बधाई हो। तो आप लोग देख रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, आप लोग देख रहे हैं मिठाइयाँ बट रही हैं, सारे लोग खुश हैं। खिलाइए दूसरों को, खिलाइए फिर हम खाएंगे, अभी कुछ देर बाद खाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मिठाइयाँ बट रही हैं। तो आप लोग देख रहे हैं आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, लोग खुश हैं। तो आइए बच्चा भी देख लेते हैं, जो बच्चा हुआ है ये बच्चा है, ये बच्चा है, आप लोग देख रहे हैं बच्चे को दिखाइए, हम भी आशीर्वाद देंगे और खुश रहे बच्चा, आप लोग देख रहे हैं बच्चा है, देखिए सफल है, अच्छा है, हेल्दी है। माँ कहाँ है? आप हैं माँ, चलो बधाई हो आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान जी, और इनके पिताजी का नाम रोहित है। हाँ जी रोहित। अच्छा, खुश हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा हो गया ना? हाँ सब बढ़िया, बस सब भगवान ठीक ठाक रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना। माता जी हैं बहुत खुश हैं मुस्कान जी, और इनके पति रोहित जी हैं जो बच्चे के पिताजी हैं, तो पूरा परिवार खुश है, हर कोई खुश है। आप लोग देख रहे हैं सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और सारे खुश हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और आतिशबाजी चल रही है दोस्तों प्रयाग हॉस्पिटल के बाहर। तो आप लोग देख रहे हैं माता जी अपने बच्चे को लेकर खड़ी हैं, कार में बैठेंगी घर जाएंगी।
तो आप लोग देख रहे हैं महिला अपने बच्चे को लेकर कार में बैठ गई है। अब ये कार इनके घर जाएगी और वहाँ भी जश्न मनाया जाएगा, वहाँ भी आतिशबाजी होगी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।